हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये मेरा चैनल है। आज मैं इंग्लिश के लिए थर्ड चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। मैं नाउन और प्रोनाउन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ बेसिक इंग्लिश में। आज मैं आपको वर्ब एग्रीमेंट कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली फॉर SSC CGL एंड SSC एग्ज़ाम्स, फॉर ऑल SSC एग्ज़ाम्स, ओके, एंड फॉर UPSC एग्ज़ाम्स टू, बिकॉज UPSC में इंग्लिश उस लेवल की नहीं होती है। सो गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो डैट और भी ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ओके, तो अब हम अपना आज का चैप्टर लेके स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सी गाइस, ये है वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपको आज वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं बैंकिंग NCHSL UPSC एग्जाम्स में। सॉरी। देखिए गाइस, किसी भी सेंटेंस में, स्पेशली ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, इन एनी सेंटेंस, ठीक है, द सब्जेक्ट नंबर एंड द पर्सन, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ब दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा यूजफुल है नहीं, कोई आपसे डेफिनेशन तो पूछने नहीं वाला, बट आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम बेसिकली रूल्स पर आते हैं। सी गाइस, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले देखिए इस बेसिकली इस रूल में क्या है। जो भी वर्ड्स लाइक एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टूगेदर विद, एंड नॉट इन, एंड नॉट इन एडिशन टू, बट, बीसाइड्स, एक्सेप्ट, रैदर देन, एकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जुड़ा हो, तो उन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, लाइक एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। तो जैसे यहाँ पे एज वेल एज लिखा है, तो हम जो एज वेल एज है, जो इसके आगे जो वर्ब लगा है, इसको हम सब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। यानी कि राम के बेसिस पे यहाँ पे आर की जगह इज आएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है। तो जिस भी वर्ड्स में एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, ये सारे वर्ड जुड़े हों, तो उससे पहले वाले इस वर्ड में उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर नहीं आएगा, इज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। ओके, तो ये सिंपल रूल है, इन वर्ड्स को याद कर लेना। ओके, उसके बाद है, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नॉन बट से जुड़ा हो, इफ़ एनी सेंटेंस इज कनेक्टेड इन द फॉर्म लाइक नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नॉन बट, देन द वर्ब विच इज नियर टू इट, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ब। ओके, मतलब कि अगर किसी भी सेंटेंस में नीदर नॉर और ये सारे वर्ड जुड़े हों, तो जो भी वर्ड इस नीदर नॉर, इन में से किसी भी वर्ड के नियर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए वर्ब का। लाइक नीदर राम नॉर श्याम हैव केम, हैव कम, तो यानी कि नीदर राम नॉर श्याम, नॉर के साथ श्याम जुड़ा है यहाँ पे पास में, ठीक है, तो इसलिए हमने इस साइड हैव की जगह हैज़ कर दिया, क्योंकि श्याम एक सिंगुलर पर्सन है। सिमिलरली ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। अब हमेशा याद रखना, ये जो भी वर्ड्स हैं, इनके जो राइट हैंड साइड में जो क्लोजेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को बदलेंगे। लाइक ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स है और के बाद राइट में फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैज़ को हैव कर देंगे। ओके, अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। ओके, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, लाइक द हर्ड ऑफ काउ, सॉरी, द हर्ड ऑफ काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो द हर्ड ऑफ काउस को हम एक सिंगुलर की फॉर्म में यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन है द हर्ड्स ऑफ काउ, गायों का झुंड,
यानी कि द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिकॉज ये हमने करेक्टिव नाउन की तरह यूज किया है द हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, तो इसलिए आर की जगह इज आएगा. उसके बाद है ईच एवरी वन नीदर ईदर एक्सेट्रा के बाद टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर देम बट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. ये जो वर्ड्स हैं ईच एवरी वन नीदर ईदर, ये हमेशा फॉलोड तो सिंगुलर वर्ब से होंगे बट इनके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होगी. लाइक वन ऑफ हिज बुक इज स्टोलन, तो फॉलो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा. एंड लाइक नीदर ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन, इसमें भी फॉलोड हमेशा सिंगुलर वर्ब में होगा. इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग इमेजिनरी विश सपोजिंग द वर्ब यूज इन प्लूरल, ठीक है, इफ एज इफ एज दो सपोज आई विश इन केस एंड वुड डैट, इन वर्ड्स के साथ हमेशा जो आने वाली वर्ब होगी आगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी. लाइक आई विश आई वॉज अ किंग, आई विश, यहाँ आई विश आ गया ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज की जगह वर होगा प्लूरल फॉर्म, तो आई विश आई वर अ किंग, ठीक है. अब ये है ए नंबर ऑफ, ये सिंपल है गाइस, इसको रट लेना. ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है एंड दी नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर, क्योंकि दी का मतलब होता है एक अकेला. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, यहाँ ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए यानी कि वर. द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, यहाँ दी नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर होना चाहिए यानी आर की जगह इज. उसके बाद आपका अगर अमाउंट ऑफ, इफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है. अगर ठीक है तो सिमिलरली हम एग्जांपल से इसको वो करते हैं, जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, तो ये अमाउंट ऑफ से के साथ यूज हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि इसको हम सिंगुलर की फॉर्म में यूज बदलेंगे, तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट. फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल फैक्ट्स idioms एंड phrase एंड habitual actions के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. लाइक द सन rises इन द ईस्ट एंड sets इन द वेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एज इट इज ही यूज होगा, ठीक है. तो गाइज वर्ब के लिए इतना ही, फिर अब मैं prepositions के साथ आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप बच्चों के लिए. उसके बाद कुछ अलग से एग्जाम्पल्स हैं अमंग अमंगस्ट मेक ऑफ मेक फ्रॉम इन सब के, ठीक है, फॉर्म कब बदलती है कब नहीं बदलती. और उसके अलावा एडजेक्टिव्स हैं जिसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट रूल है जिससे आप सब एडजेक्टिव्स को अच्छे से कर सकते हैं. ओके, ये कुछ रूल्स हैं अलग से, तो अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी. आप ये बस इनको पढ़िए, इन कंजक्शंस पे ध्यान दीजिए किसके बाद क्या जोड़ता है. लाइक नो सुनर के बाद देन, इधर के बाद और, नीदर के बाद नो, नॉट बोथ के बाद एंड, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, थो के बाद येट, वीदर के बाद और, हार्डली के बाद वैन, स्केली के बाद वैन, ठीक है. और बस ये सब है गाइस, तो काफ़ी कुछ आने वाला है, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही. ओके, अब हम नए टॉपिक के साथ प्रीपोजिशंस के साथ यूज आएंगे. तो गाइस टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ गाइस ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, आप लोगों को बहुत यूज़फुल हो जाएगा इससे. ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय.